देख लो भैया, मोबाइल आपको अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है। देखो यार, जो गुरु जी ने बात की थी, यदि आपको मोबाइल अत्यंत आवश्यक है तो कसम खा करके लीजिए कि गंदी बातें नहीं देखेंगे, प्रपंच नहीं देखेंगे। नहीं बहुत हम कह रहे सुबह से शाम तक मोबाइल इतना है, आराम से समय कट जाएगा बिना भजन के, बिना चिंतन के। देखते रहो इतनी रीलें, इतने सब प्रपंच भरे, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, एकांत बैठे चल भी रहे हैं तो कान में बटन से लगे रहते हैं, अंगुली ऐसे करते रहते हैं, वो गया फिर दूसरा फिर तीसरा, क्या मिलेगा आपको? आपका समय नष्ट हो रहा है। नहीं, यहाँ तो जिनको सेवा है उनके पास मोबाइल है, अन्यथा नहीं है। बाहरी साधको ये मोबाइल बहुत जहर है। भगवत प्राप्ति के बाधा के लिए कलयुग ने बड़ी भारी रचना रच दी है, और अगर नियम संयम से प्रयोग करो तो बड़ा सहयोगी है। सत्संग सुन लो आप इससे, मोबाइल से कोई विपत्ति वाली बात है तो आप सूचना दे सकते हो। बहुत तरह से